क्या मैडम, अब तो फिल्मों में भी पुलिस टाइम पे आने लगी है। अगर आप टाइम पे आती तो ये बेचारी बच भी जाती। अब देखिए ना, उधर आप लेट हुई, इधर इनके नाम के आगे लेट लग गया। बेचारी SHO करिश्मा सिंह से लेट SHO करिश्मा सिंह हो गई, जैसे अब आप होने वाले। इतनी भी जल्दी क्या है भैया, पहले हमको तो अच्छे से खत्म कर लो। बंदूक रखो, तुम भी गन रखो नीचे, रखो। सॉरी करिश्मा सिंह, पहुंचने में देर हो गई, अब ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है मैडम सर, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और तुम मूसा भैया, क्या चूरन समझे हो पुलिस वालों को अपनी तरह? हाके नहीं हो तुम पुलिस वालों को अभी तक अच्छे से। तुम अपने प्लान की कामयाबी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि हम तुम्हें पहचान चुके हैं और तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग तुम्हारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने संतोष और पुष्पा जी से अर्जुन की इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी। आप जानती हैं अर्जुन नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ना ही ये आदमी अर्जुन है और ना ही ये मूसा का अकाउंटेंट है। शायद आपका शक सही है मैडम सर, क्योंकि हमको भी ना इसका कुछ कुछ बातें संदिग्ध लगा है। लेकिन हमारे मानने से क्या होगा, हमें चाहिए उसका कन्फेशन। और वो कैसे होगा मैडम सर? एक काम करिए, आप फिलहाल के लिए अर्जुन के साथ आगे जाइए हमें यहाँ छोड़कर, ठीक है? हम पीछे से आएंगे आपके बैकअप के लिए। और जो हथकड़ी पहनाया था ना मैडम सर को, वो भी झूठा था। जाते तो कंफर्म होते ही कि तुम मूसा हो, तुमको वहीं दबोच लेते हम। लेकिन उससे फायदा क्या होता? जरूरी था सबूत, तुम्हारा कन्फेशन ये बोलते हुए कि तुम ही मूसा हो, जो कि तुमने हमको दे ही दिया है स्पाई कैमरा में। रुक जाइए करिश्मा सिंह, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जितना डायलॉग बाजी मारा है ना तुमने अभी, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन असलियत में धोखा तुम खा रहे थे। तो भैया अब तो तुम समझ ही गए होगे, तुम्हारे जैसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, हवा हूं मैं हवा। अगर बाहर आने की कोशिश की तो इस बार गोली सीधा खोपड़ी में पड़ेगी, तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाएगी तुम्हें। पुष्पा जी, समझते क्या हो, समझते क्या हो, हमारी बहू है वो, हमारी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की बहू। कोई छू के तो देखे उसे, तोड़ कर रख देंगे हम, समझे, तोड़ कर। क्यों ठुकाई हो गई ना, गिरफ्तार कर लो इसको। हवा बनने निकले थे, चलिए हवा निकालते हैं तो। और आप, हाँ, अपने आप को बड़ा तोप समझती हैं आप? हाँ, हीरो है, अमृत पी रखा है, जो बार बार मौत के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोली है गोली, चलती है ना तो लगती है। पर आपको क्या, आपके पीछे लल्ला है, हम है, क्यों इतना जी दुखा दिया आप हमारा? कल को आपके चक्कर में हम हार्ट अटैक से मर जाए, इससे अच्छा है कि आप अभी हमारा गला दबाकर हमें मार दीजिए, मार दीजिए हमें, मगर ये रोज रोज का हमें मारना बंद कीजिए भगवान के लिए। पुष्पा जी,
नोट काहे ले रही हैं आप? कुछ नहीं हुआ है उनको, काहे घबराती है इतना? और आप क्या इतनी जल्दी पीछा छुड़वा लीजिएगा हमसे? और वैसे भी ये जो गोलगप्पा वाला ऐसे गोल मटोल सा चेहरा होता है ना, एकदम क्यूट सा, उस पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते, आप पूछ लीजिए से। लगा था इस केस पर दोनों की ड्यूटी लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें ये भी लगा कि अब ये केस हाथ से गया, आप दोनों के आपसी मतभेद इस केस को ले डूबेंगे। लेकिन हसीना मलिक और करिश्मा सिंह, आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि भले आप दोनों में कितने ही मतभेद हों, लेकिन जब बात ड्यूटी की आती है ना, तो आप दोनों के जज्बात एक हो जाते हैं। किसी भी हद तक जाकर आप दोनों कानून की हिफाजत करते हैं, पूरी ईमानदारी से आप दोनों अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। कुछ डिफरेंसेस है सर, वो हमेशा रहेंगे, पर यहाँ सवाल है बैटिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम पर अंकुश लगाना और उसके जरिए अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट तक जो फंड पहुंच रहा है उसको रोकना। ये बहुत बड़ा समस्या है सर, इसके आगे हमारा पर्सनल समस्या जो है वो बहुत छोटा है। सर, हम हमेशा से मानते आए कि देश से आगे और देश से पहले कुछ भी नहीं, हम भी नहीं। वाह हसीना मलिक, क्या बात कही है, ऐसी बात जो दिल को छू गई। आज तक आप लोग मुझे सैल्यूट करते आए, आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं, ये दिल चाहता है। मैडम सर, ये थाने में कुछ फ्री में बट रहा है क्या, हम भी लाइन में लग जाएं? अरे गजब का आदमी है भैया, बताइएगा नहीं कि क्या हुआ तो कैसे केस लिखेंगे, रोना बंद कीजिए, बोलिए तो सही। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। एक मिनट भैया, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है, आ रहे हैं, लिख लेंगे ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे लोग FIR लिखने आए? बिल्लो बता रहे हैं ना हम। ओके ओके मैडम सर, ये सब लोग FIR लिखवाने आए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे थाने में जो इतने सारे लोग FIR लिखवाने आए? ये लोग अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए रिपोर्ट लिखवाने? गए थे मैडम सर, लेकिन वहाँ उनका मजाक बना के उन्हें भगा दिया गया, ये बोल के कि ऐसा भी कोई केस होता है क्या? देखिए ना मैडम, ये तब से रोए जा रहा है, हम इसको तब से पूछ भी रहे हैं क्या हुआ है बताओ, तो बता भी नहीं रहा है, बोलता है कि हमको और किसी थाना से उम्मीद है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आया है। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया कि कोई भी पुलिस स्टेशन इन्हें सीरियसली नहीं ले रहा? जी तो अब बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या हुआ आप लोगों के साथ? मैडम सर, ये संजय शर्मा है, दिल्ली में रहते हैं, बिल्डर है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैडम मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या है? संजय शर्मा है, आगे बोलिए। दिल्ली से हूँ। बिल्डर है ये भी पता है, अब आगे बोलेंगे? मैडम मेरे साथ ना ठगी हुई है, मैडम कल एक आदमी ने मुझे रानी महल भेज दिया। क्या रानी महल? वो शहर के पास जो प्राचीन महल है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सर, कोई आपको उसे कैसे बेच सकता है? फर्जी पेपर दिखा के। हाँ भैया, आपका भी पेपर देख लिया जाएगा, थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज, धीरज रखिए। मैडम बेचा ही नहीं, महल के 1.5 करोड़ ले गया। 1.5 करोड़? वो मोल भाव नहीं किया क्या आपने? मोल भाव करने के बाद 1.5 करोड़। मैडम कल जब मैं महल गया तो वहाँ के सेंटर प्लेस का शाही फुहारा ही गायब था, और मैडम चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने ठग दिया। और अब आपके साथ क्या हुआ? मैडम आई एम जॉन, कुछ दिनों पहले कनाडा से आया हूँ, वो शाही फुहारा मुझे बेच दिया 1 लाख रुपी में। नेक्स्ट डे पता चला मेरे साथ चीटिंग हुआ है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, रानी महल और शाही फुवारा? एक मिनट, ये सब हो कैसे सकता है? हो चुका है मैडम सर, और आप इन लोगों के किस्से सुनेंगे ना तो और भी हैरान हो जाएंगे। हाँ भैया, आपका भी किस्सा सुन लेंगे, आप थोड़ा शांत रहिए ना। किसी को सरकारी दफ्तर बेचा गया मैडम सर, किसी को होटल, किसी को जहाज, किसी को ट्रेन, किसी को नदी का पानी तक बेचा गया है। मुझे मेरा ही घर बेच दिया।
ये लोग कहते हैं वो इतना शातिर है, बात करने में इतना चालाक है वो, कि सुई को भी तलवार बताकर बेचने की काबिलियत रखता है, और पेपर वर्क भी इतना पुख्ता कि इन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग ठगे जा रहे हैं। हाँ मैडम, वो आदमी कुछ भी बेच सकता है, और शब्दों का मायाजाल ऐसे रचता है कि खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। आदमी वो ही करता चला जाता है जो वो चाहता है, और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। अमा टोपा हो क्या सबके सब? इतना अकलमंद समझदार इंसान हो और ठग के चक्कर में आ गए हो? नहीं मतलब खुद का अकल, खुद का कोई सही गलत कुछ हिसाब है कि नहीं है? या कोई भी चूरन बनाएगा और चूरन बन जाएंगे आप? ट्रेनिंग में हमने इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ाई की थी। ये नॉर्मल फ्रॉड से बहुत अलग तरीके का फ्रॉड होता है। ये ठग एक अलग ही दुनिया बनाकर ऐसे मासूम लोगों को ठग लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ठग लिया गया है। बहुत ही सोचा समझा और परफेक्ट सेटअप बनाया जाता है, और काम करते ही आदमी हवा की तरह फुर हो जाता है। संतोष शर्मा, स्केच बनाइए। मैं? जिस आदमी ने इन्हें ठगा है उस आदमी का स्केच बनवाइए, स्केच आर्टिस्ट को बुला के। ओके, आप लोग प्लीज जाइए, इनकी मदद करिए। हाँ चलो चलो। भैया उधर कहाँ? चलिए ना, हम है ना, हम लिखते हैं आपका कंप्लेन। आइए चलिए इधर से निकलिए। चलिए 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 भैया, आप लोग चलिए चलिए आराम से आइए। तजुर्बा कहता है हमारा कि अंधेरे में कभी भी कोयला नहीं ढूंढा जाता, और यही है इस फ्रॉड की सबसे अहम कार्यशैली। इस तरह के फ्रॉड कभी भी दुनिया के सामने अपना असली चेहरा नहीं आने देते। हो ना हो, इस एक आदमी ने इन दोनों को अलग अलग रूप में ठगा है, अलग अलग गेटअप में। देखिएगा, अभी हमारे पास दो अलग अलग स्केच आएंगे, लेकिन एक ही आदमी के। आप ठीक कह रही थी मैडम सर, ये दोनों स्केच देख के लग रहा है कि दोनों अलग अलग इंसान के जरिए ठगी के शिकार हुए। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही आदमी है, अलग अलग गेटअप में। मिस्टर जॉन, मिस्टर संजय, आपको उस आदमी के बारे में कोई अलग सी चीज याद है? कोई बात करने का तरीका, कोई अंदाज, या फिर कोई फिजिकल मोमेंट, कुछ भी जो नॉर्मल से थोड़ा अलग हो? अंगूठी। अंगूठी मतलब क्या? हम समझे नहीं अच्छे से, अंगूठी क्या? उनके सीधे हाथ की उंगली में अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी। यस, उस रिंग पर लाइन बना हुआ था। उस वक्त हमें उलझाते वक्त उसने उस रिंग को घुमाया था, ऐसे ऐसे। अब अंगूठी को ऐसे ही घुमाएगा ना? ऐसे थोड़ी घुमाएगा। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। सनी अभी नहीं प्लीज, हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ। अब शहर में इतनी ठगी हो रही है तो एक स्टोरी तैयार कर रहा था। अब अगर आपका रोशन ख्याल मिल जाता तो इस गरीब का भला हो जाता। तो कहिए मैडम, क्या कहेंगे आप इन केसेस के बारे में? कहना क्या है, चूहा है मक्खन के टुकड़े खा के बिल में घुस गया, उसको बिल से निकालना है और उसको सबक सिखाना है। हमें इस आदमी को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। आपने नोटिस किया कि जिन लोगों को इसने लूटा है वो कोई राह चलते लोग नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वो इन लोगों को रानी महल और शाही फव्वारा बेच सकता है तो सोचिए वो कितना शातिर होगा। वो शर्तियां जानता होगा कि हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बिना सोचे समझे हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे। करिश्मा सिंह, हमारी राय में फिलहाल आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए, जल्दबाजी होगी। एक्सक्यूज मी, ये केस कौन सॉल्व करेगा? हाँ एक मिनट भाई साहब, आपको बताते हैं। हमको ऐसे क्यों लग रहा मैडम सर कि आपको इस केस में रुचि नहीं है? अगर ऐसा बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ये केस लेने में। आप चाहे तो हमें इस केस का जिम्मा दे सकती हैं। इसका मतलब केस आप ले रही हैं? आप प्लीज शांत रहेंगे। करिश्मा सिंह, शिकारी के पीछे हटने का मतलब शिकार छोड़ देना नहीं होता। कई बार शिकारी दो कदम पीछे हटता है ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो सके। निश्चिंत रहिए, इस केस में हमारी दिलचस्पी भी उतनी ही है जितनी आपकी। तो केस आप ले रही? सब सर, दो मिनट प्लीज। मैडम सर, डीएसपी साहब बार बार फोन कर रहे हैं, आपको और करिश्मा मैडम को फंक्शन में जाना था। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? अब बता रहे हैं ना, बता रहे हैं आपको केस कौन ले रहा है। रुकिए जरा, अब बैठिए बैठिए बैठिए। चले चलिए मैडम सर। हम आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। अब तक ये समारोह लखनऊ शहर के सभी पुलिस थानों के सभी पुलिस कर्मियों भाइयों के साथ मिलकर मनाया जाता रहा है, किंतु इस महामारी के कारण हम कुछ ऑफिसर के उपस्थिति में ही ये समारोह मनाने जा रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करते हैं।
पुरस्कार वितरण समारोह का प्रेस्टीजियस अवार्ड बेस्ट थाना इन द सिटी, और वो थाना है महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और वो ऑफिसर है इस थाने की इंचार्ज SHO हसीना मलिक। सर सर हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? माइक पे। अच्छा कहो कहो। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी कभी भी किसी एक की नहीं होती, उसके पीछे बहुत से लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है, और हमारे थाने की कामयाबी के पीछे है हमारा स्टाफ, हमारी टीम। ये अवार्ड दरअसल इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हर हालत में हर कीमत पर अपना धैर्य नहीं छोड़ा, मुश्किल से मुश्किल घड़ी को बहुत अच्छे से हैंडल किया और हमें यहाँ तक लेकर आए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी टीम की बैकबोन को, हमारी टीम की सबसे कर्मठ और समर्पित ऑफिसर को, SHO करिश्मा सिंह। आप सब जानते ही हैं कि हम स्पीच नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम नर्वस या जाते हैं माइक को देखकर। क्या करें, स्ट्रेट इंसान है ना, स्ट्रेट बात बोलते हैं, जो दिल में होता है वो बोल डालते हैं, इसलिए डरते हैं कि हमारा कभी कोई बात किसी को बुरा ना लग जाए। पर आज इस मौके पे ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो मान सम्मान और इज्जत आप लोगों ने हमें दिया है, कोशिश करेंगे कि प्राण देकर भी उसका मान हम रखें और कभी भी इस थाने के स्वाभिमान पर आँच ना आने दें। हम सब जानते हैं तुम्हारे थाने में चीटिंग का केस आया है। अपने लेवल पे जो बन पड़े, जितनी तहकीकात हो सके वो करो, लेकिन ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। पता है पिछले 8 सालों में ऐसे कई केस आए विभिन्न थानों में, जानते हो कुछ हाथ भी नहीं आया, थाने की बदनामी हुई सो अलग। 4 SHO तो मुझे सस्पेंड करने पड़े इस ठगी के केस के चक्कर में। अरे वो सॉल्व भी नहीं कर पाते थे तो हमको जो है सस्पेंड कर देना पड़ता था। जय हिंद सर। अरे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, ये आनंद है। जानती हो 2010 का सबसे होशियार कैंडिडेट। उस साल के सभी एग्जाम में आनंद ने ऑलमोस्ट टॉप किया था। अरे वाह, तो फिर कहाँ है आपकी पोस्टिंग अभी? आपने ठीक से सुना नहीं मिस मलिक, सर ने कहा है कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैंने टॉप किया था। फिजिकल में आई साइट 0.1 वीक होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सॉरी, हमें पता नहीं। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, भाग्य में नहीं था फोर्स में शामिल होना, किसी का क्या दोष इसमें, है ना सर? चलता हूँ सर, मिलता हूँ। ठीक है खुश रहो, अच्छा लड़का है। तो हम क्या कह रहे थे? सर आप वो ठगी के केस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बोलना नहीं किसी को, वो ठग हमको भी एक बार उल्लू बना चुका है, पीतल का एक पुराना बर्तन बेच गया हमको। सर आप पुलिस वाले होकर? अरे भाई पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही तो है ना। फिर सर फिर क्या किया आपने? अरे भाई उसका क्या करना था, और उसका कुछ करके अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना था। हाँ सर, लेकिन अगर क्राइम होगा तो रिपोर्ट तो होगी, रिपोर्ट होगी तो कार्यवाही होगी, और अगर कार्यवाही होगी तो अपराधी को पकड़ना तो पड़ेगा ना सर। और सर अभी अभी आपने हमें बेस्ट थाना का अवार्ड दिया है, तो इस सम्मान का लाज तो रखना पड़ेगा, और पकड़ना पड़ेगा उस ठग को जिसने आपको भी नहीं छोड़ा। तजुर्बा कहता है हमारा कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस से एक कदम पीछे ही रहता है। हम जानते हैं कि फिलहाल फर्जी कागजात के अलावा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर कि हम उसे हाथ से जाने दें।
कुछ ना कुछ हमारे हाथ आएगा ही जो हमें उस तक पहुंचाएगा जरूर। कब तक छिपेगा सर वो, कभी ना कभी तो उसे सामने आना ही है। संतू जी हमारे साथ फोटो ले लीजिए ना। संतू जी क्या है कि हम अम्मा को भेजेंगे ये वाला फोटो। वाव, एक तीर से दो शिकार, बहाने बहाने फोटो भेजी जाएगी और फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी, है ना? एक सेकंड, फोटो खींच के अम्मा को भेजने से बात आगे कैसे बढ़ेगी? अम्मा जड़ बुद्धि। क्या हुआ? मोर पंख। पुष्पा जी बाल बाल। हाँ पता है ना तुम लोगों को करिश्मा मैडम कैसी बाइक चलाती है, तो हम कह रहे थे कि इसकी अम्मा तुम्हारी फोटो देखेगी, तुम्हें पसंद करेगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। कौन सी बात, यही तो पूछ रही हूँ। काश हमारा लल्ला इतना समझदार होता और शादी से पहले हमने तस्वीर देख ली होती। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। जय मैडम। जय। हम यही सोच रहे थे कि बाइक पे जो हमारा मैटर चल रहा था उसका कंटिन्यूटी यहाँ मेंटेन कैसे नहीं हुआ। क्या बोल रही थी आप, फोटो देख लिया होता? नहीं देख भी लेती तो क्या हो जाता। संतू जी इन लोगों का तो चलता रहता है ना, हम लोग सेल्फी लेते हैं। आइए लीजिए। थैंक यू संतू जी, थैंक यू वेरी मच। वाओ, अंतिमता तुझे स्वीकार कर ही लिया। स्वीकार किया कि अपराध किया बिलौटे है? और तुम्हारी शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो बे। हम लोग सेल्फी ले रहे थे। चाय बनाया कर, अदरक खाना कितनी घटिया भाई। या चाय बनाई आपने, आपको पता है? आपको जी ना, आप हो गया आप सबका। जय मैडम सर, जल्दी जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? कल ही हमारे थाने को बेस्ट थाना का अवार्ड मिला है और आज आप लोग केस सॉल्व करने की बजाय, कोई क्लू ढूंढने की बजाय, कोई रास्ता निकालने की बजाय इस तरह बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह हम डिपार्टमेंट की उम्मीद पर खरे उतरेंगे? हमारे पास सबूत के नाम पर क्या है? सिर्फ कुछ चंद फर्जी कागज और चेहरे के नाम पर दो आधे अधूरे स्केच। ऐसे केस सॉल्व करेंगे हम? बर्बाद हो गया मैडम, बर्बाद हो गया मैडम। हमारी मदद करिए मैडम, सब कुछ ले गया वो चोर, सब कुछ ले गया हम तो छीन के मैडम, हमारी मदद करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग केस की तफ्तीश जारी रखिए, आप बाल ठीक करिए। हाँ जी मैडम सर। आप चलिए अंदर केबिन में। मैडम हमारा नाम प्रवीण है, हम पेशे से एक डॉक्टर है। कल हमारे पास एक पेशेंट आया, हमको ये देख कर गया। और मैडम हमको कहने लगा कि ये नागमणी है, इसको आधी रात में पूरे चांद की रोशनी में रखोगे तो इससे नागिन बाहर निकलेगी और तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करेगी। हम पूरी रात इसको हाथ में लेकर बैठे रहे और सोचे कि अभी नागिन निकलेगी हमारी इच्छा पूरी करेगी, अभी नागिन निकलेगी हमारी इच्छा पूरी। पूरी रात निकल गई मैडम, ना नागिन निकली ना हमारी इच्छा पूरी हुई। हमारा टोपा होगा? नहीं मैडम, हम तो डॉक्टर हैं। हाँ डॉक्टर हो तो पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे हो तो इतना नहीं पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो एक मिनट के लिए मान भी लिया कि ऐसा कुछ टोपागिरी होता भी है, तो जब नागमनी से नागिन निकल के बाहर आएगी तो तुम उसको अपना इच्छा बताओगे या फिर अंतिम इच्छा बताओगे? क्योंकि वो बाहर आती तो तुमको डस लेंगे। मैडम हम क्या बताएं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब वो आदमी जो हमको ये कांच का टुकड़ा बेच कर गया ना, इतना स्मार्ट हैंडसम और स्मार्ट टाकर था ना कि हम कब उसके जाल में फंस गए हमको समझ ही नहीं आया। हमारे जैसा ईमानदार पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का जब उसके झांसे में आ गया तो समझिए कितना शातिर आदमी होगा वो। मैडम कुछ करिए, हमने बहुत ईमानदारी से पैसा इकट्ठा किया था कि हॉस्पिटल खोलेंगे गरीबों के लिए, लेकिन सारा पैसा लेके चला गया वो। अच्छा आप प्लीज शांत हो जाइए। एक बात बताइए, ये जो आदमी था क्या उसने लेफ्ट हाथ में कोई अंगूठी पहन रखी थी जिस पर शेर का चेहरा बना हो, जिसे वो इस तरह से घुमा रहा हो? हाँ मैडम, वो बात करते करते ना अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे से घुमा रहा था वो। घबराई मत, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, ये हमारा वादा है। वैसे तो छोटे बड़े मिलाकर बहुत से मामले इस ठग के खिलाफ हमारे सामने आए, लेकिन फिलहाल एनालाइज करने के लिए हम तीन अहम किस्से डिस्कस करेंगे। संजय शर्मा,
जॉन और डॉक्टर प्रवीण कुमार। संजय शर्मा को गवर्नमेंट की जमीन बेची गई, जॉन को हिस्टोरिकल चीजें बेची गई, लेकिन डॉक्टर प्रवीण को नागमणि जैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर फंसाया गया। ये आदमी अलग है, होशियार है। ये ना ही सिर्फ नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है, बल्कि शब्द जाल का भी जादूगर है। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेन है तो फिर हम पकड़ काहे नहीं रहे हैं, हम जन्म कुंडली काहे निकाल रहे हैं। कोई आइडिया है आपके पास? जी बिल्कुल है मैडम सर। आइडिया ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ नकली कागज थे, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने फिजिकल ऑब्जेक्ट है। किसी ने तो इस कांच के टुकड़े को तराश कर असली दिखने वाले नकली नागमणि का रूप दिया होगा। अपने नेटवर्क को थोड़ा एक्टिव करते हैं, पता लगाते हैं ये कौन है, दबोच के लाते हैं उसको थाने में। केस क्लोज्ड। और आपको क्या लगता है कि इन सारे आइडियाज के बारे में हमने नहीं सोचा होगा? हमें तो भूल ही जाइए, उस मास्टरमाइंड क्रिमिनल ने नहीं सोचा होगा कि हम ऐसा सोच रहे हैं। ये आदमी आपकी हमारी दोनों की सोच से कई गुना ज्यादा चालाक और होशियार है। हम उसे किस तरह से, किस रूट से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये वो पहले से सोच कर बैठा है। मगर मैडम सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पुष्पा जी, हमें पहले उसके दिमाग के अंदर घुस के ये समझना होगा कि वो सोचता कैसे है, किस तरह से प्लानिंग करता है, किस तरह से अपने शिकार चुनता है, और फिर कैसे उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। एक मिनट मैडम सर, मतलब पहले सोचो, फिर जांचो, फिर परखो, फिर निकलो। इतना पेशेंस आप में हो सकता है मैडम सर, किसी अपराधी में नहीं। वो इतने में आधे शहर को लूट कर फ्लाइट पकड़ कर कहीं और पहुंच जाएगा। अगर अपने शिकार को दबोचना है ना, तो उसका सही समय होगा अभी इसी वक्त। इसलिए हम तो जा रहे हैं उसको दबोचने, थाने लाएंगे घसीट कर। तब तक आप अपना स्ट्रैटेजी बनाइए। अरे आप यहाँ? जी मैं यहाँ, बस यहाँ पास में दिवाली की मिठाई देने गया था, तो सोचा शहर के नंबर वन थाने के सभी स्टाफ का मुंह मीठा कराता चलो, दिवाली की बधाई देता चलो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उम्मीद करता हूँ मैं गलत वक्त पर नहीं आया हूँ। नहीं नहीं, अच्छा लगा आप आए। हाँ बहुत सही समय पे आए हैं आप, लेकिन फिलहाल किसी और का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। काफी खराब मूड में गई है, सब ठीक है ना? नहीं नहीं सब ठीक है, वो है ही ऐसी। काफी सीरियस डिस्कशन चल रहा था, राइट? आपको कैसे पता? पुलिस वालों ने ड्यूटी के काबिल भले ही ना समझा हो, ट्रेनिंग पूरी शिद्दत से की है। इतना तो अंदाजा लगा ही सकता हूं कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। ये मिस्टर आनंद है, अम्मी ने भेजा है। नहीं, आपने बुलाया है। 2010 के पुलिस एग्जाम में इन्होंने टॉप किया था, कुछ एक छोटे से आई साइट इशू की वजह से ये ऑफिसर नहीं बन पाए, लेकिन आप इन्हें बिना वर्दी का पुलिस वाले ही समझ लीजिए। राइट राइट, लीजिए दिवाली की मिठाई टेस्ट कीजिए। नहीं नहीं शुक्रिया। अरे दिवाली की मिठाई है, रिश्वत थोड़ी है। लीजिए लीजिए। आज आप अपनी रिंग पहनना भूल गए शायद। वो दिवाली है ना, तो पॉलिश करने के लिए दी है। अच्छा, काफी काम रहते हैं सब दीपावली पे। लीजिए लीजिए। तो इजाजत दीजिए मुझे। जी शुक्रिया। करिश्मा सिंह, ये सब क्या हो रहा है? जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, आपको क्या लगता है ये हड़िप्पा हड़िप्पा खेल रहे हैं? नहीं, करिश्मा मैडम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कल रात को ही इन ठगों को उठाया, अंदर कर दिया है। अब जब तक वो अपना बड़ा वाला ठग इसका पता नहीं बताएंगे ना, तब तक ये ऐसे ही टेक ऑफ पोजिशन में रहेंगे। बेशक इनका खुद का टेक ऑफ क्यों ना हो जाए।
इन्वेस्टिगेशन का रूल नंबर 2, जिसका पैर जमीन को टच हुआ उसका बगल वाला उस पर टच थप्पड़ लगाएगा। और मुझे देखो, मैंने बस इतना बोला कि ये सब मेरे बिल्ली निवास में रहेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा, तो मेरे हाथ में ये पंखा थमा दिया। आई हेट काइंड ऑफ दिस इंसल्ट। मैडम सर, आप देख ही सकती हैं कि हम इनको बहुत टाइम से यहाँ पे लाके रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही सलामत अपने पैरों पर खड़े, हम इनको टच तक नहीं किए। हाँ, लेकिन हमें ये पता तो चले कि ये लोग हैं कौन। मैडम सर, ये है शहर के नामचीन ठग। बहुत सारी ठगियों को अंजाम दिया इन लोगों ने, ये सबसे पहले वाले। घर घर जाकर अकेली हाउसवाइफ को टारगेट करते हैं, उनके सोने की चैन, अंगूठी, कानों की बालियां, सबको पॉलिश का नाम चिपका कर नकली ज्वेलरी से एक्सचेंज करके फिर फरार हो जाते हैं। ये दूसरे वाले भाई साहब अपनी नकली ज्वेलरी को असली बताकर लोगों को बेचते हैं और फिर फरार हो जाते हैं ये भी। और ये तीसरे वाले भाई साहब रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग टिकट वाले यात्री होते हैं उनको कंफर्म टिकट का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठते हैं और फिर ये भी फरार हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ये लोग ठग करते हैं तो ये हमारे वाले ठग को नहीं जानते होंगे। पर जिस ठग की मैडम बात कर रही हैं वो बहुत होशियार है, उसका नाम भी हम लोग सुने हैं, लेकिन मैडम हमें पता नहीं है उसके बारे में। ये ठीक कह रहा है मैडम, अगर हमें उसके बारे में पता होता तो हम उसे अपना गुरु बनाकर करामती गुण सीख लेते मैडम। करिश्मा सिंह रुकिए। मैडम सर, ये रुकिए, आप आइए हमारे केबिन में आइए। बिल्लू, पुष्पा जी, चीता और संतोष को कहिए कि हमारे केबिन में आए। थैंक यू मैडम सर। जल्दी, हमने इस नकली नागमणि को लैब भेजा था ये पता लगाने के लिए कि इस तरह के कांच के टुकड़े कहां, क्यों और किस कारण बनाए जाते हैं। कांच का टुकड़ा? जी, ये कांच का टुकड़ा ही है, शादी में, इवेंट्स में, झूमर पर लगाने में, डेकोरेशन में काम आता है। लखनऊ के हर गली मोहल्ले में करीबन 500 रुपए में मिल जाता है। बार्गेनिंग करेंगे तो 225 में भी मिल जाएगा। नहीं मतलब अब हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके ये पता करें कि ये कांच का टुकड़ा किस झूमर में लगा था, इस झूमर का मालिक कौन है, ये झूमर किस शादी में लगा था, शादी में से किसने इस झूमर को वहां से निकाला था। इतने में अपराधी वर्ल्ड टूर कर वापस आ जाएगा और हम झूमर झूमर खेलते रह जाएंगे। कभी तो हमारी बात शांति से सुन लिया कीजिए करिश्मा सिंह। अगर ऐसा कुछ करने की नौबत आएगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिलहाल हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये नकली नागमणि वो फ्रॉड खुद लेकर आया है या फिर उसने किसी की मदद से अरेंज करवाया है। इसका मतलब डीएसपी सर सही कह रहे थे कि हमें ये केस छोड़ देना चाहिए, ये केस हमारे बस का ही नहीं है। या फिर आप सस्पेंशन के डर से इस केस से पीछे हट रही हैं। लेकिन हमारा ऑफर अभी भी खुला हुआ है मैडम सर, और वो ये है कि आप इस केस का जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। अच्छा, बुरा, सही, गलत, सब हमारा जिम्मेदारी होगा। करिश्मा सिंह, ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि पीछे हटने वालों में से ना आप हैं ना हम। जिद पर आ जाएं तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, हमारे काम करने के तरीके जरूर अलग अलग हैं, लेकिन एक बार पीछे पड़ जाएं तो मुजरिम को जहन्नम तक नहीं छोड़ते, फिर ये तो हमारी जद में है। इसलिए घबराइए मत, माना कि ये मुजरिम थोड़ा सा चालाक है, इसलिए हम सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। एक रास्ता है इस कॉनमैन तक पहुंचने का। हम उस ठग के बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि वो अपने लेफ्ट हाथ की उंगली में अंगूठी पहनता है और उसे बार बार इस तरह से उसे घुमाने की आदत है। हो सकता है कि उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो। एंजाइटी मतलब तो बेचैनी। हाँ संतु जी, वही जो हमको होता है आपके बिना। उसे पागलपन कहते हैं चीते। हाँ? अगर इस आदमी को रोजाना एंजाइटी के इश्यूज होते होंगे तो हो सकता है वो इसकी दवाई के लिए किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता हो। हमारे एरिया में इस तरह के स्पेशलिस्ट कितने होंगे, 150? पर जरूरी तो नहीं है ना मैडम सर कि वो किसी डॉक्टर के पास ही जाता हो। बिल्कुल सही, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं भी जाता हो तब भी मेडिकल स्टोर तो जाता होगा दवाई लेने के लिए, और ये दवाइयाँ बहुत चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स में मिलती है जहाँ पर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। इसका मतलब वो फेक प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है इन दवाइयों को खरीदने के लिए, और अगर वो ऐसा करता है फिर तो उसे पकड़ना और भी आसान होना चाहिए। तो अब क्या करना होगा मैडम सर? सबसे पहले हमें उन चुनिंदा मेडिकल स्टोर्स पर जाना चाहिए जहाँ पर इस तरह की खास दवाइयाँ मिलती हैं। वहाँ जाइए, पता लगाइए कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस तरह की दवाई खरीदते हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से, स्टोर्स के ओनर्स के डिस्क्रिप्शन की मदद से देखिए कि हम किस पर शक कर सकते हैं। जब भी कोई टारगेट जैसा लगे तुरंत उसके पास पहुंच जाइए। क्लियर? तो पकड़ कर लाते हैं इस ठग को कानून की जद में। क्लियर? लेट्स गेट टू वर्क। यस मैडम सर।
पत्र। इतना भी क्या जल्दी था मैडम, थोड़ा आराम से तो आ ही सकते थे हम लोग। बाल्टी करो, वो पेपर दो। भाई साहब, ये मेडिसिन मिलेगा आपके पास? जी मिलेगी। ये वही मेडिसिन है, वो एंजाइटी के लिए जो मेडिसिन होता है, वही है ना ये? जी हाँ वही है। कितना लोग आते होंगे आपके पास ये वाला मेडिसिन लेने के लिए? बहुत कम लोग आते हैं मैडम, लेकिन यही आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरह की मेडिसिन आसपास कोई और नहीं रखता, सिर्फ हम ही रखते हैं। बहुत बढ़िया, अब जैसा हम कहेंगे ना आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। संतू? हाँ। यहाँ यहाँ पीछे। हाँ बोला आपने? हाँ बोल दिया उसे। क्या बोला? यही कि अगर कोई ऐसी दवाई लेने के लिए आए तो तुरंत इशारा करे। किसको? हमको। ओहो। क्या ओहो? पुष्पा जी, मेडिकल वाला आपको इशारा करेगा ऐसे? कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा, अच्छा लगेगा इसे मेडिकल वाला आपको इशारा कर रहा है? पुष्पा जी चुप करो, जड़बुद्धि, कुछ भी सोचती रहती हो तुम। जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ, पता नहीं यहाँ कब तक खड़ा रहना पड़ेगा। जाओ जाओ। ओके। मार 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 मार। सॉरी मैडम। संतू आया क्या? वो मेडिकल वाले का कोई मैसेज आया, ये पूछ रहे हैं हम। नहीं अभी तक तो कोई मैसेज नहीं आया, अब क्या करें? चलो भैया एक और दे दो। अरे 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 भाई साहब, कहाँ चले? मैडम स्टोर तो बंद हो गया है। बंद हो गया? ऐसे कैसे बंद हो गया? ऐसे कैसे मतलब, रोज बंद करता हूँ। नहीं नहीं हम ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, मतलब आपको तो हमने बोला था ना कि आप हमें मैसेज करो, आपको नंबर भी तो दिया था। मैसेज आया संतू? नहीं। बताइए। मैडम घर जाने का टाइम हो गया, वैसे भी आज तो वैसा आदमी कोई आया नहीं जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। मैडम कल देखते हैं, मैं चलता हूँ। अब चलो, अब हम भी निकलते हैं। जय मैडम सर। करिश्मा सिंह बताइए क्या अपडेट है? मैडम सर अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं फोन करके। ये दवाई देना जल्दी। जल्दी करो। हाँ लाता हूँ मैं। सुन पैसा लिए? नहीं। जा मैडम। जी। एक आदमी आया है, सेम मेडिसिन। हाँ क्या हुआ? दो मिनट। हाँ क्या है कि आपकी वाली दवाई ऊपर रखी है, लड़का उतार रहा है। जल्दी उतरवा। लाया? ए छोटू सुन, ए पुलिस वालों से पैसे नहीं लेता क्या? नहीं। क्यों नहीं लेता? बड़ा कर मैं भी पुलिस वाला बनूंगा ना, इसलिए। हेड़ा ओके, तू भी पुलिस वाला बनेगा इसलिए। थैंक यू। वो किस लिए? तुम नहीं समझोगे, ये बाल बना के रखा था क्या? डॉक्टर गोपाल। रॉन्ग नंबर, पीसीओ है जी ये। ये गलत है, कौन आदमी है बाहर? बाहर अब आओ बेटा, बेटा इधर आना, एक बार जल्दी आओ। तुमने किसी को देखा यहाँ से जाते हुए? कोई यहाँ पे था? वो उधर उधर। अब आओ, टॉप आदमी। मैडम मैडम, अरे भाई मैडम कहाँ गई? मैडम इस तरफ गई।
नहीं मैडम सर, वो मेडिकल स्टोर वाला ठक्का चेहरा नहीं देख पाया, उसने मास्क लगाया हुआ था और वो कोई पुराना कस्टमर नहीं था, वो नया था, पहली बार वहाँ आया था। इसका मतलब हमें और भी होशियार होना होगा। ये जो कोई भी है ये जान चुका है कि पुलिस इसके पीछे पड़ी है, ये और भी चौकन्ना हो चुका है। हो सकता है कि वो शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। एवरीबडी बी ऑन हाई अलर्ट, हम कोई गलती नहीं कर सकते। क्लियर? यस यस मैडम। हो गई गलती हसीना मलिक, मैंने ही अंडर एस्टिमेट किया तुम्हें। मैं जानता था तुम बहुत बहुत शार्प ऑफिसर हो, लेकिन इतनी तेज निकलोगी ये नहीं सोचा था। मतलब मेरी इतनी छोटी सी एंजाइटी प्रॉब्लम से तुम मेरे इतने नजदीक आ गई। मजा आएगा तुम्हें और उन सबको जो तुम्हारे साथ साथ मेरे पीछे पीछे मेरे इतने करीब आ गए। अब इतनी बड़ी गलती की है तुमने जिंदगी की, उसका हर जाना तो देना पड़ेगा। इस होशियारी की कीमत चुकानी होगी। अब वो होगा हसीना मलिक जो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। सब खत्म हो गया। अब हमको लगता है कि हमारा हॉस्पिटल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारा भी आखिरी मौका था, मार्केट से पैसे उठा के उस ठग को दिए थे। सोचा था कि लॉकडाउन के बाद अपने मरते हुए बिजनेस को बचा पाऊंगा, लेकिन सब खत्म हो गया। अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। क्या नहीं बचा? रास्ता। कोई रास्ता नहीं बचा। अमर टोपा होगा तुम। अगर मरना ही सोल्यूशन होता तो आधी दुनिया ना खत्म हो जाती। तुम तो निकल लोगे, पीछे से तुम्हारी फैमिली का क्या, जिनको तुम जीते जी मार जाओगे। थोड़ा सा लाइफ में झिझोड़ाने की बस हिल गई। देखिए हम जानते हैं कि इस अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है और ये अपराधी बहुत चालाक। सच बताए तो हम ये भी नहीं जानते कि अब आगे करना क्या है, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, जब तक हमारे शरीर पर ये वर्दी है तब तक हम जुर्म के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखेंगे। जब तक ये थाना है यहाँ रिपोर्ट भी लिखी जाएगी और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। घबराइए मत, इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैडम सर, अब आगे क्या करेंगे? फिलहाल पता नहीं। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर तो सब कुछ हो जाएगा और वो भी बहुत ही आराम से, है ना? जी जी, आप कौन? साइड में बैठो। यहाँ पर होगा हमारा बड़ा सा आलीशान हॉल और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम रखेंगे अपना किचन और राइट साइड पर यहाँ नॉर्थ में ना दरवाजा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में दरवाजा होना शुभ होता है। और अब बच्चों के बेडरूम का क्या कर रहे हैं? एक आइडिया है, हाँ वहाँ पर करते हैं लिट्टू का बेडरूम, वहाँ उसके बगल में टिटू का बेडरूम और वहाँ पर पूरा खानदान लेके शिफ्ट होने वाली है क्या? और नहीं तो क्या, आधा खानदान थोड़े ना लेके आएंगे, पूरा खानदान लेगा। अरे आप भी तो कुछ बोलिए ना, आप भी बोलेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया। मेरी राय में बिल्कुल सही कहा। ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम कट्टू के लिए रख देंगे और जो ये है ना, ये लॉकअप, इसको तोड़ फोड़ के एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देंगे, है ना? ये खबरदार, मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो लाशें बिछा दूंगा। हाँ, हमें तो बोला गया था कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। ओ मैडम, ओ क्या क्या चल रहा है ये? हाँ, टीटू का बेडरूम, उसका वॉशरूम, उसका स्विमिंग पूल, हमको समझाएंगे क्या समस्या क्या है ये? हम यहाँ जगह देखने आए और अपने आर्किटेक्ट को साथ में लेके आए ताकि उसे समझा सके कि कौन सी चीज कहाँ पर तोड़े। मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, ये हॉल में ना हम लोग सीलिंग तोड़ के एक कांच का सीलिंग फिट करते हैं जो डे में सनलाइट देगा और नाइट में मूनलाइट देगा। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सही। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है आप लोग? क्यों, इस जगह के ओनर ने आपको बताया नहीं? नहीं बताया ना।
अगर बता दिया होता तो आपकी स्वागत की तैयारी करते। पुष्पा जी एक मिनट, क्या नहीं बताया हमें ओनर ने? अरे ये जगह हमने पूरे 1 करोड़ 7 लाख में खरीद ली है।